अस्सलामु अलैकुम, आई एम रिजवान खलील और आज 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 3 से जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डेरिवेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसका क्वेश्चन यूजुअली पास्ट पेपर्स में इस तरीके से आया है, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला। अब स्टेट का मतलब है कि आपने सबसे पहले क्या लिखनी है, इसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इसकी क्या है, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट और रिमेन्स सेम। अब इसकी डेफिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक आप लोग करते हो, आप मोमेंटम का वर्ड जो है इसमें से स्किप कर देते हो, आप सिर्फ ये लिख देते हो द आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट और रिमेन्स सेम। तो कौन सा वर्ड स्किप आप कर देते हैं, मोमेंटम का। सो अभी आप अपनी बुक्स पे इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो सो दैट ये वर्ड स्किप ना हो जब आप क्या करो डेफिनेशन को लिखो। सो क्या डेफिनेशन है जी, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट और रिमेन्स सेम। अब स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो सबसे पहले हमने इसकी क्या लिख लीजिए यहां पे, स्टेटमेंट। ओके, अब मैं कंसीडर करता हूं एक मैस जिसे मैंने डिनोट किया M1 से, फिर एक और मैस मैंने कंसीडर किया जिसे मैंने किया डिनोट M2 से। सो कितने मैसेज मैंने कंसीडर किए, दो मैसेज मैंने कंसीडर किए M1 एंड M2। दोनों मैसेज अभी मूव कर रहे हैं, दे आर इन मोशन। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का हम ऑलरेडी सिंबल पढ़ चुके हैं। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या था, VI। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या था, VF। बट यहाँ पे हम वो सिंबल्स यूज नहीं करेंगे क्योंकि अगर दोनों के लिए हमने वी आई और वी एफ यूज किया तो फिर दोनों सिंबल्स आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स्ड हो। दूसरी चीज, क्योंकि ये बॉडीज आपस में क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, और ये मूव इस तरीके से कर रही हैं कि एम वन इज मूविंग टूवर्ड्स एम टू। अब यहाँ पे इनकी जो स्पीड्स हैं या इनकी जो वेलोसिटीज हैं, इसकी मैं वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देता हूँ यू वन से, इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देता हूं u2 से, और ऑब्वियसली अभी हिट नहीं किए तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, बिफोर कुलियन। क्या मैंने लिख दिया, बिफोर कुलियन। और ऑलरेडी ये चीज भी हमें पता है कि मोमेंटम जो है वो हम कैलकुलेट किस फॉर्मूले से करते हैं, प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके थे, p इज इक्वल टू m इनटू v। P किस चीज का सिंबल है, मोमेंटम का। M किस चीज का सिंबल है, मास का। V किस चीज का सिंबल है, उस बॉडी की वेलोसिटी का। ओके, यहां पे एक कंडीशन आपने याद रखनी है, वो कंडीशन क्या है कि U1 जो है वो किस से ग्रेटर है, U2 से। U1 इज ग्रेटर देन U2, इसका मतलब क्या होगा कि M1 की स्पीड ज्यादा और M2 की स्पीड कम है, और एक टाइम आएगा कि जब M1 ट्रेवल करता हुआ, मूव करता हुआ किसके साथ हीट करेगा, कोलाइड करेगा M2 के साथ। सो अ टाइम विल कम जब M1 और M2 दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे, कुलियन। अच्छा, कोलाइड करने के बाद दोनों की वेलोसिटीज फिर चेंज हो जाएंगी। इसकी एग्जांपल आप इस तरह देख सकते हैं कि स्नूकर में जब आप प्ले करते हैं, बॉल्स को हिट करते हैं विद स्टिक, तो फिर जब एक बॉल जो टारगेट बॉल है और जिसके साथ आप जिस बॉल से हिट करते हैं, दोनों जब आपस में हिट होते हैं तो दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाती है, चेंज। लाइकवाइज इसी तरह ही है, जब एम वन और एम टू आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड करने के बाद दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएगी, चेंज। According to Newton's third law of motion, for every action there is equal but opposite reaction. So after collision, ये again move करेंगे
लेकिन अब इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। M1 की वेलोसिटी हो जाएगी V1 और M2 की वेलोसिटी हो जाएगी V2। A की वेलोसिटी क्या होगी V1, A की वेलोसिटी क्या होगी V2, और यहां पे मैं इसके नीचे हेडिंग क्या लिख देता हूं, आफ्टर कुलियन, तो देट वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m1 इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड बॉडी ऑफ मास m2 इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u2, प्रोवाइडेड दैट u1 इज ग्रेटर देन u2। और फिर एक टाइम आएगा कि जब दोनों बॉडीज आपस में क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी। कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटीज दोबारा क्यों चेंज हुई, क्योंकि यहां पे क्या अप्लाई हुआ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, मोमेंटम का ऑलरेडी मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, P is equal to mv। अब मैं यहां पे लिखता हूं इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, P is equal to m into v। अब ये था मास m1 और इसकी वेलोसिटी क्या थी u1, ये बिफोर कुलियन इसकी वेलोसिटी कंसीडर की है, तो फिर इसका मोमेंटम क्या बन जाएगा, फार्मूला क्या था, p is equal to mv, तो मास की जगह पे आ जाएगा m1 और वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा u1। अब दूसरे की वेलोसिटी जो है, जो दूसरी ऑब्जेक्ट है, दूसरी बॉडी है, उसके लिए वेलोसिटी उसकी थी u2, उसका मास था m2, तो फिर इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 क्या बन जाएगा, m2 u2, क्या बन जाएगा फिर m2 u2। अब टोटल मोमेंटम मैंने लिखना है बिफोर कुलियन, क्या लिखना है जी, टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन। तो टोटल मोमेंटम के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड m1 u1 प्लस m2 u2। फिर देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी m1 की क्या थी u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u2 बिफोर कुलियन। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, p is equal to mv, तो इसका मोमेंटम क्या बन जाएगा m1 का m1 u1 और सेकंड बॉडी m2 का क्या बन जाएगा m2 u2। टोटल मोमेंटम कैसे आएगा, इन दोनों के मोमेंटम्स को आपस में क्या कर देंगे, ऐड अप, अप्लाई करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अप्लाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अब उसकी वेलोसिटी उन दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज आफ्टर कुलियन क्या होगी, चेंज। सो मैं फिर यहां पे क्या लिखूंगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 इज इक्वल टू, अब क्या था, मास m1 था और वेलोसिटी क्या थी v1, तो यहां पे फिर क्या आ जाएगा m1 v1, फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 क्या बन जाएगा m2 v2। ये मैंने लिखा था टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन, अब क्या आएगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन। तो यहां पे फिर मैं कैलकुलेट करूंगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन। टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन कैसे कैलकुलेट किया था, इन दोनों के मोमेंटम्स को आपस में क्या कर दिया था, ऐड अप, तो फाइनल मोमेंटम आफ्टर कुलियन में भी क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड अप, तो ये क्या बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई
principle of conservation of मोमेंटम। और वो क्या था कि टोटल मोमेंटम क्या रहता है उसका, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि टोटल मोमेंटम बिफोर कूलियन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कूलियन। तो फिर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, टोटल मोमेंटम बिफोर कूलियन और यहां पे क्या आएगा जी, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। पहली सब्स्टिट्यूट कर देते क्या था जी, पहली एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल्स टू एम वन V1 प्लस M2 V2। तो इस तरीके से हमने क्या चीज ड्राइव कर ली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली टोटल मोमेंटम बिफोर कूलियन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कूलियन। फिर देख लें, सबसे पहले इसकी क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम का। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू MV। कितनी बॉडीज कंसीडर की, टू, एक m1 दूसरी m2, दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज क्या थी u1 और दूसरे की क्या थी u2। कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी या वही रहेंगी, उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। और आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज क्या बन गई, m1 की वेलोसिटी बन गई v1 और m2 की वेलोसिटी क्या बन गई v2। इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 क्या आ जाएगा जी, m1 u1 और दूसरी बॉडी का क्या आ जाएगा m2 u2। फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1, वो ऑब्वियसली फाइनल मोमेंटम का मतलब है कि आफ्टर कोलिजन वो क्या बनेगा m1 v1 और दूसरी बॉडी का क्या बनेगा m2 v2। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन के लिए क्या करोगे, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे एड अप करेंगे, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को भी आपस में क्या करेंगे एड अप। अप्लाई क्या कर दिया, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अभी इस टॉपिक के साथ एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, और वो बड़ी फेमस एग्जांपल है, और वो एग्जांपल है गन एंड बुलेट की। और उस एग्जांपल की भी हम जो है वो डेरिवेशन करेंगे, और एंड पे हम रिकॉइल वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम रिकॉइल वेलोसिटी किस केस में, गन एंड बुलेट की केस में कैलकुलेट। ओके जी, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को डेली लाइफ से। एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं गन एंड बुलेट की, और देखते हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ऑन एग्जांपल ऑफ गन एंड बुलेट। यहां मैंने ये गन की डायग्राम बना ली, और ये क्या बना ली बुलेट की। अब यहां भी मैंने इसके मैसेज को रिप्रेजेंट करना, और इसके लिए एक छोटी सी टिप, छोटा सा टोटका आप याद रखेंगे, गन क्योंकि बड़े साइज की है तो गन के मैस को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, बुलेट छोटे साइज की होती है तो बुलेट के मैस को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से। तो टोटका क्या याद रखेंगे, छोटी के लिए छोटा, बड़ी के लिए बड़ा एम। क्या टोटका याद रखेंगे, छोटे के लिए छोटा, बड़े के लिए बड़ा एम। तो मैं यहां पर लिखूंगा लेट एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट, और कैपिटल एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ गन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास है एम वन यू वन प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो मैं यहां पे अज्यूम कर लेता हूं कि m1 इज इक्वल टू स्मॉल m के,
और M2 is equals to capital M के. जब तक बुलेट को फायर नहीं करते तो गन भी स्टेट ऑफ किस में रहेगी, रेस्ट में, और बुलेट भी किस में रहेगा, रेस्ट में. इन अदर वर्ड्स, जब तक गन से फायर नहीं होगा ना तो बुलेट मूव करेगा और ना ही गन, तो इसका मतलब है कि दोनों किस स्टेट में होंगे, रेस्ट में. और जब भी बॉडी रेस्ट में होती है तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो. सो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग U1 is equal to 0 is equal to initial velocity of bullet. अच्छा, एक चीज याद रखनी, सीक्वेंस आपने मेंटेन रखना है. अगर आपने डिस्क्रिप्शन में पहले बुलेट लिखा है और बाद में गन, तो हर जगह पे डिस्क्रिप्शन में पहले क्या आएगा, बुलेट और बाद में गन. अगर किसी भी जगह पे आपने ऊपर नीचे कर दिया तो आपकी डेरिवेशन गलत हो जाएगी नेक्स्ट अपकमिंग स्टेप्स में. अगर बुलेट फायर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली गन भी मूव नहीं करेगी. सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, सो ये दोनों क्या हो गए, जीरो. आफ्टर फायरिंग व्हाट हैपेंस, आफ्टर फायरिंग, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड इन योर डेली लाइफ कि जब गन से फायर किया जाता है तो लेट्स सपोज किस तरीके से इस डायरेक्शन में एक बंदा फायर करता है, तो जब वो फायर करता है तो जैसे ही वो गन से फायर करता है बुलेट मूव करता है फॉरवर्ड, और उसका हैंड किस तरफ मूव करता है, हाथ किस तरफ मूव करता है, बैकवर्ड. रीजन क्या होती है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. और फिर जो मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ उसको कंजर्व करने के लिए गन भी क्या करती है, मूव करती है किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड. अगर मैं फायर इस तरह कर रहा हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, बुलेट मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और मेरा हाथ किस तरफ मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो इट्स मीन कि फायरिंग के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज. सो V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू, ओके. यहां पे फिर क्या चीज याद रखनी, सीक्वेंस. यहां पे क्या था, बुलेट, और ये क्या था, गन. फिर क्या था, बुलेट, और फिर क्या था, गन. अब यहां पे भी मैं क्या लिखूंगा, पहले फाइनल velocity of bullet. यहां पे गड़बड़ आपने नहीं करनी, पहले बुलेट लिखना है और फिर बाद में क्या लिखना है, गन. यहां पे क्या लिख दूंगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन. अब इससे पे मैंने क्या रूल याद रखा था, ये किस तरीके से मैंने क्या टोटका लगाया था कि मैस कैसे याद रखेंगे, छोटे के लिए छोटा और बड़े के लिए बड़ा एम था. तो यहां पे भी मैं क्या याद रखूंगा, छोटे के लिए छोटा और बड़े के लिए बड़ा V. इसका मतलब है कि बुलेट के लिए मैं यूज करूंगा स्मॉल V और गन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, कैपिटल V. छोटे के लिए छोटा, बड़े के लिए बड़ा V. ओके, अब यहां पे मैं आऊं, यहां पे मैं इसकी वैल्यूज लगाता हूं, M1 की जगह पे क्या आ गया, स्मॉल m. सो जहां जहां पे M1 लिखा है मैं वहां वहां पे स्मॉल m लिख देता हूं. M2 की जगह पे क्या आ गया, कैपिटल M. सो जिस जिस जगह पे M2 था मैंने वहां वहां पे क्या लिख दिया, कैपिटल M. U1 की जगह पे क्या आ गया, जीरो. U2 की जगह पे क्या आ गया, जीरो. V1 की जगह पे क्या आ गया, स्मॉल V. ये वैल्यू भी बड़ी केयरफुली आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, सम टाइम आप देखते नहीं और स्मॉल V1 की जगह पे क्या कर देते हो, कैपिटल V. सो V1 की जगह पे क्या आ गया, स्मॉल V, और V2 की जगह पे क्या आ गया, कैपिटल V. इसे सॉल्व किया, ये क्या आ जाएगा जी, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू एम वी प्लस कैपिटल एम कैपिटल वी. 0 प्लस 0 क्या हो गया जी, 0 इज इक्वल टू एम वी प्लस कैपिटल एम वी. ये टर्म राइट साइड पे प्लस है, लेफ्ट साइड पे क्या आती होगी, माइनस. सो स्मॉल एम वी इज इक्वल टू विद नेगेटिव साइन एम वी. यहां से कैपिटल बी का फॉर्मूला बना लेते हैं, कैपिटल बी किसके इक्वल आएगा, माइनस एम ओवर कैपिटल एम इनटू स्मॉल वी. कैपिटल एम और स्मॉल एम कैंसिल नहीं होगी, दोनों अगर स्मॉल एम होते हैं दोनों कैपिटल होते हैं तब इन्होंने आपस में क्या हो जाना था, कैंसिल. सो कैपिटल बी किसको शो कर रहा था, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन.
वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटीज में जब हम नेगेटिव का साइन अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पे हम किस चीज को शो कर रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे की डायरेक्शन के ऑपोजिट हैं। इट्स मीन कि अगर बुलेट मूव कर रहा है फॉरवर्ड तो नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, गन किधर मूव कर रही है, बैकवर्ड। तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि गन रिक्वायर्स इन ऑर्डर टू कंजर्व द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो गन की वेलोसिटी विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सो बुलेट मूव करेगा फॉरवर्ड तो गन मूव करेगी बैकवर्ड, बुलेट मूव करेगा अपवर्ड तो गन मूव करेगी डाउनवर्ड। सो नेगेटिव साइन का यहाँ पे आपने एंड पे जरूर लिखना है कि नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ गन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट, दैट इज गन रिक्वायर्स। आई होप आप ये डेरिवेशन आप बड़ी इजीली और बड़ी आसानी से कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम।